आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जनपद के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय ईदिलपुर में बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की थी। मौके पर हकीकत जानने के लिए जब मीडिया की टीम स्कूल में पहुंची तो स्कूल में पूरी तरह से दुर्व्यवस्थाओं का अंबार लगा मिला। बता दें कि स्कूल में कायाकल्प के तहत एक भी काम नहीं हुआ है। स्कूल में साफ सफाई में भी अनियमितता देखने को मिली। स्कूल के शौचालय में गंदगी का अंबार देखने को मिला। वहीं स्कूल के शौचालय का दरवाजा भी टूटा मिला। पीने के पानी का कोई भी व्यवस्था नहीं था, विद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं कराया गया था। विद्यालय परिसर के बाहर की चार दीवारी का भी निर्माण नहीं कराया गया है। स्कूल के बच्चों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल में पिछले कई दिनों से मिड डे मील भोजन नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस संबंध में जब प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर सिंह से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया, और जब मिड डे मील के बारे में पूछा गया तो वह आग बबूला हो गए। अब सच्चाई जो कुछ भी हो, बच्चों के अनुसार 1 तारीख से भोजन नहीं बन रहा है, यानी कि बच्चे आज लगभग 7 दिनों से विद्यालय में भूखे हैं। जहां सरकार विद्यालयों को सुधारने के तमाम दावे कर रही है, वहीं अध्यापकों की यह घोर लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी रविशंकर यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जाएगी, यदि आरोप सही पाए गए तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 9 भारत के लिए संवाददाता सत्यम गौड़ की रिपोर्ट। कहाँ घर है? स्कूल पढ़ने आए हो? खाना कई दिन से स्कूल में नहीं बन रहा है? 1 तारीख से नहीं बन रहा है। 1 तारीख से आज तक नहीं बना खाना? चलो ठीक। कहाँ घर है आपका? दादर में। आपका भी घर है? खाना बना है आपके स्कूल में? आज बना है। ऐसे खाना बना है कि नहीं? आज नहीं बना है। अच्छा, ये कितने दिन से खाना नहीं बन रहा है? 1 तारीख से नहीं खाना बन रहा है। आप लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है? चलिए ठीक। विद्यालय ईदिलपुर में शिकायत प्राप्त हुई है कि वहाँ पर मिड डे मील का जो है भोजन सही से नहीं बनता, उसके बारे में बताइए क्या कारण है। तो अगर मान लीजिए मिड डे मील नहीं वहाँ पर बन रहा है तो आखिर क्या कारण हो सकता है? कुछ भाई तो कह रहे हैं हमारे संज्ञान के, यदि शासनादेश है कि किसी विद्यालय में भोजन में कोई समस्या है तो हेडमास्टर लिखित रूप से 3 दिन पहले वो सूचित करेंगे आपसे। हेडमास्टर मैंने कभी सूचित किया नहीं आपको? सूचित नहीं किया हेडमास्टर? लेकिन सर मीडिया के संज्ञान में यह बात आई है, और मीडिया के पास जो है सभी बच्चों का, कई बच्चों का बयान भी है, उसमें बच्चों ने यह प्रकरण की जांच होगी। यदि मीडिया के माध्यम से हमको कोई सूचना मिलेगी तो प्रकरण की जांच होगी। अधिवासियों से पूछा जाएगा कि भाई आप आपकी कोई समस्या थी तो हमको अवगत कराना चाहिए था। बच्चों ने बताया है उनसे, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया होता। यदि कोई समस्या थी तो अगर समस्या थी तो भोजन बंद तो होगा। यदि कोई समस्या है तो आप नियमानुसार आप हमको अवगत कराइए जी, और यदि हमसे नहीं हुआ तो अपने अधिकारियों को अवगत कराएंगे, उच्च अधिकारियों को। यदि आप नहीं हमको अभी तक अवगत कराए हैं तो ये तो आपका दोष। अगर मान लीजिए यह दोष सिद्ध होते हैं तो अग्रिम क्या कार्रवाई की जाएगी? कुछ यदि किसी का भी दोष सिद्ध होगा तो वो नियमानुसार दंडित होगा। ठीक, अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।